समाजवादी पार्टी के संस्थापक व प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव का निधन पूरे राजनीतिक कुनबे के लिए पीड़ादायक है। जी हां, 82 साल की उम्र में नेताजी हम सभी को अलविदा कह गए। लगातार वो जंग लड़ रहे थे जिंदगी के लिए, वेंटिलेटर पे थे, आईसीयू पे थे, सीसीयू में शिफ्ट किए गए, लेकिन अंत में नेताजी ने हार मान ली। उनके निधन पर सभी नेता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर काफी भावुक नजर आए। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव के बारे में बहुत कुछ लिखा। इसके साथ ही उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ अपनी कई तस्वीरों को ट्वीट के सहारे शेयर भी किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीटों की श्रृंखला में लिखा कि मुलायम सिंह यादव जी एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया, जो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने लगन से लोगों की सेवा की और लोकनायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मुलायम सिंह यादव जी ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग अलग पहचान बनाई। वे आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सैनिक थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया। उनके संसदीय हस्तक्षेप व्यवहारिक थे और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे। जब हमने अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में काम किया, तब मुलायम सिंह यादव जी के साथ मेरी कई बार बातचीत हुई। घनिष्ठता जारी रही और मैं हमेशा उनके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक था। उनका निधन मुझे पीड़ा देता है। उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति संवेदना शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ ने भी उनको याद किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर हर कोई नेताजी की हालत से काफी ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं दुखी है। जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह लिखते हैं कि दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, ऐसे राजनाथ और तमाम बड़े नेताओं के ट्वीट सामने आए और संदेश के जरिए यहाँ पर सभी समर्थकों को शांति बनाए रखने की अपील की और साथ ही साथ नेताजी की आत्मा को शांति मिले ऐसी अपील की। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।